हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे सोया चिल्ली। सोया चिल्ली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम सोयाबीन लिया है। अब हम इसे गर्म पानी डालकर 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। सोया चिल्ली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 प्याज और 4 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन की कड़ी और 1 शिमला मिर्च लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। प्याज को हमें इस तरह काटना है और शिमला मिर्च को भी ऐसे ही काटना है। हरी मिर्च को हम बारीक बारीक काट लेंगे और लहसुन को भी बारीक काट लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। सोयाबीन को हम 2 से 3 बार ठंडा पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ लेंगे। अच्छे से निचोड़ना है, हमें पानी नहीं रखना है इसमें। सारे सोयाबीन को हम अच्छे से निचोड़ के रख लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। नमक ऐड करेंगे हम इसमें 1/4 चम्मच। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, आप इसके जगह अरारोट ले सकते हैं। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है हमें। सोयाबीन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम लेंगे रिफाइंड का ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हम अच्छे से धुआं आने तक गर्म होने देंगे। अब जो सोयाबीन हमने अच्छे से मिक्स किया था वो सोयाबीन हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। दो तीन मिनट के बाद हम इसे अच्छे पलट लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है सोयाबीन को, हमें थोड़ा रेड होने तक फ्राई कर लेना है। सोयाबीन हमारे फ्राई हो गई है। अब हम सोयाबीन को साइड करते हुए निकाल लेंगे। साइड करके निकालने से हमारा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा सोयाबीन में। सारे सोयाबीन को हमें निकाल लेना है। सारे सोयाबीन को हमने निकाल लिया है। सेम प्रोसेस से जो मेरे बचे हुए सोयाबीन है उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे रेड होने तक। एक से दो बार हमें इसे अच्छे से पलट लेना है। सोयाबीन हमारी रेड रेड हो गई है, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। ज़्यादा फ्राई करने से सोयाबीन हमारे टाइट हो जाते हैं, इसलिए हमें सोयाबीन को थोड़ा सा ही फ्राई करना है ताकि हमारा सोया चिल्ली सॉफ्ट सॉफ्ट बने। ये देखिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, सोयाबीन हमारे सॉफ्ट फ्राई होकर रेडी हुई है। अब हम एक कढ़ाई 4 से 5 टेबल स्पून हम यहाँ पे रिफाइंड का तेल लेंगे। रिफाइंड तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे, इसमें से धुआं निकलने देंगे। रिफाइंड ऑयल हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन डाले हैं।
लहसुन पहले डालें ताकि इससे हमारा कच्चापन निकल जाए। लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। थोड़ा देर हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। याद रखिएगा, हम सोयाबीन में भी नमक डाले थे और सॉस जो हम सॉस डालेंगे उसमें भी हमारा नमक रहता है, इसलिए ध्यान से नमक डालिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे, 1/4 चम्मच। चीनी से हमारा कलर अच्छा आता है और सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। 4-5 मिनट फ्राई हो गई है हमारी। प्याज और शिमला मिर्च हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है। गोल्डन ब्राउन करना है हल्का आपको। तीन चार मिनट तक हम इसे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सोया सॉस बस 1 ही चम्मच ऐड करना है। अब हम यहाँ पे लेंगे टमेटो केचप। टमेटो केचप ऐड कर दिए हैं। आप चिल्ली सॉस भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो। हमने बहुत सारे हरी मिर्च ऐड किया है इसीलिए हम चिल्ली सॉस नहीं ऐड किए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके सॉस को हम अच्छे से भून लेंगे। 3-4 मिनट हमें सॉस को अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट हमें इसे हाई फ्लेम में भून लेना है। 3-4 मिनट हो गया है, अच्छे से हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ सोयाबीन डालेंगे। सोयाबीन को डाल के हम 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लेंगे। आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में डालकर घोल कर इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ग्रेवी गाढ़ी होती है। ये देखिए फ्रेंड, सोया चिल्ली बनकर हमारी रेडी है। आप इसे रोटी चावल के साथ सर्व कीजिए। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं।